एक टीनेज लड़की ने कुछ पैसों के लिए फोटोशूट किया और इसके बाद वो घर से भाग जाती है। अब नई सिटी में भी पैसों के लिए उसे एक स्टेप फर्दर जाना पड़ता है। अब उसकी चॉइस उसे कहाँ लेकर जाएगी, यही हम आज की मूवी अबाउट चेरी जो 2012 की मूवी है इसमें हम देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एंजेलिना, इसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। उसके साथ रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थी। वो हाई स्कूल में है पर उसके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती, उसे बाहर लॉन्ड्री में काम करना पड़ता है। उसके घर पर उसके मदर फादर और सिस्टर है। उसके फादर कभी भी घर में कोई भी ध्यान नहीं देते और उसकी मदर हमेशा ड्रंक होती है। आज रात भी उसकी मदर बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी तो उसने उसे संभाल लिया। इसके बाद वो रात में अपने फ्रेंड एंड्रू के साथ एक पार्टी में आई। उसका बॉयफ्रेंड जो एक बैंड में है वो आज रात यहाँ प्ले कर रहा था। उसने उससे कहा तुम वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो। इसके बाद ये घर जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह एंजेलिना का बॉयफ्रेंड उसे सजेस्ट करता है तुम्हें पिक्चर्स लेने चाहिए। वो उसे एक न्यूड फोटोशूट सजेस्ट कर रहा था। एंजेलिना को ये बात सीरियस नहीं लगती पर वो कहता है कब तक तुम लॉन्ड्री में काम करती रहोगी, इस फोटोशूट के तुम्हें $500 मिलेंगे। एंजेलिना इस बात पर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। आज रात जब वो घर आई तो घर में खाना भी नहीं था। वो और उसकी सिस्टर वैसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एंजेलिना और एंड्रू स्कूल में लंच कर रहे थे। एंजेलिना ने कुछ भी लाया नहीं था तो एंड्रू अपना लंच उसके साथ शेयर करता है। उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। आज एंजेलिना ने सोचा और वो फोटोशूट करने के लिए रेडी थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। वो इन सब से निकलना चाहती है। वो लोकेशन पर पहुंची और फोटोशूट करने वाले का नाम था वान। वान उसे कहता है कि तुम्हें एक फोटोशूट के मैं $300 दूंगा। एंजेलिना ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही फोटोशूट करने वाली हूँ और इसके मुझे $500 चाहिए। वो इसके बिना मानने नहीं वाली थी तो वॉन को उसे उतने सारे पैसे देने ही पड़े। और इसके बाद ये फोटोशूट स्टार्ट होता है। एंजेलिना ने इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, उसे सारे पैसे मिल गए। रात में वो अपने फ्रेंड एंड्रू से मिली। ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं एंजेलिना के पास जो भी पैसे है ये लेकर ये शहर छोड़कर चले जाने वाले है। एंजेलिना ने पूछा क्या कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। एंड्रू कहता है मेरे फादर भी 5 दिनों से घर पर नहीं आए, कोई भी कुछ भी चीज नोटिस नहीं करेगा। ये दोनों अपनी लाइफ से तंग आ गए थे। नेक्स्ट डे एंजेलिना स्कूल जाने का प्रिटेंड करती है। उसकी मदर ने कहा मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ, तुम सब चीजें सही से कर रही हो। वो घर से निकली और एंड्रू के साथ डायरेक्टली सैन फ्रांसिस्को आ जाती है। इन्होंने ऑनलाइन रेंट पर एक फ्लैट देखा था जिसका रेंट बहुत ही कम है। इसी घर पर ये पहुंचे और इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों ये देखकर बहुत खुश थे। रात में फिर एंजेलिना ने अपने घर पर कॉल लगाया। उसकी मदर कहती है तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। एंजेलिना कहती है कि मैं लीगल एज की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो अपनी छोटी सिस्टर से बात करना चाहती थी पर उसकी सिस्टर उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। सिस्टर को एंजेलिना की बहुत जरूरत थी पर एंजेलिना उसे छोड़कर चली गई। एंजेलिना को भी इस बात पर बहुत बुरा लगा, वो डिस्टर्ब हो गई थी तो एंड्रू उसे सहारा देता है। अगले दिन ये दोनों अलग अलग जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं। एंजेलिना को एक बार में एज अ वेट्रेस का काम मिल गया। यहाँ पर एक रात हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रांसिस अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था। उसके फ्रेंड की शादी होने वाली थी तो उसे एक बैचलर पार्टी वो दे रहा था। इस बार में कुछ स्ट्रिपर्स भी थे तो उसने उन्हें हायर किया। जब एंजेलिना उसके पास ड्रिंक लेकर आई तो उसे वो बहुत पसंद आती है। उसे उसने एक बड़ी सी टिप दी। इस वेट्रेस के जॉब के अलावा एंजेलिना को और भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। वो अपने एक फ्रेंड से बात करती है तो उसने कहा तुम यहाँ पर डांस करने का काम कर सकते हो। एंजेलिना को ये काम करना कंफर्टेबल नहीं लगता। उसके जॉब के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे तो उसके फ्रेंड को पता चला कि एंजेलिना ने ऑलरेडी एक शूट किया हुआ है। तो फ्रेंड सजेस्ट करती है यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडियो है जहाँ पर जाकर तुम अपने लिए एक वीडियो शूट कर सकती हो। इस वीडियो के लिए वो बहुत सारे पैसे देते हैं। एंजेलिना भी इस बारे में सोचती है। यही पर जब फ्रांसिस अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था तभी उसका फ्रेंड एक लड़की को छेड़ने लग जाता है। इस वजह से यहाँ पर ट्रबल हो गया। उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था तो फ्रांसिस उसे बाहर लेकर गया। एंजेलिना के सामने यह सब हुआ। वो नहीं चाहता था कि एंजेलिना उसे कुछ गलत समझे तो फ्रांसिस उसके पास गया, उसे अपने फ्रेंड के लिए सॉरी कहा। एंजेलिना उसे अपने फ्रेंड को संभालने के लिए कहती है। इसी के पैरेलल में एंड्रू भी अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में गया हुआ था। यहाँ इन पार्टीज में जो भी होता है ये एंड्रू को बहुत सही लगा। उसे सिटी बहुत पसंद आ रही थी। वो रात में जब एंजेलिना के पास आया तो बहुत ज्यादा खुश था। उसे अपने पार्टी के बारे में सब कुछ बताता है। एंजेलिना एंड्रू से कहती है
तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जो वर्ल्ड की सबसे लकी लड़की होगी। एंड्रू कहता है कि शायद वो लड़की मुझे मिल चुकी है पर मुझे पहचान ही नहीं पाती। एक्चुअल में एंड्रू एंजेलिना से बहुत प्यार करता था पर वो कभी भी ये बात रियलाइज नहीं करती। अगले दिन एंजेलिना वीडियो शूट के स्टूडियो पर आई। यहाँ पर सब कुछ चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनल थी, एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट था, सब चीज़ों को क्लियर कर दिया जा रहा था। वहाँ की असिस्टेंट एंजेलिना को सब कुछ चीज़ें क्लियर कर देती है कि एंजेलिना क्या क्या चीज़ें करने के लिए कंफर्टेबल होगी और वही काम वो उसे देंगे। इस काम के लिए एंजेलिना को बहुत अच्छे से पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद एंजेलिना अपने शूट के लिए रेडी हो रही थी। यहाँ पर कुछ और लड़कियाँ थी जो उसे कंफर्टेबल फील कराती है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शूट मार्गरेट के साथ है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मार्गरेट इस वीडियो शूट की डायरेक्टर थी। इसके बाद एंजेलिना का मार्गरेट के साथ वीडियो शूट स्टार्ट होता है। एंजेलिना को क्या क्या करना है ये सब मार्गरेट बता रही थी। एंजेलिना की ब्यूटी से मार्गरेट बहुत इम्प्रेस थी। उसे कहती है तुम्हारे साथ फिर से काम करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में आज रात एंजेलिना फिर से बार में काम कर रही थी तो उसे फ्रांसिस मिलने के लिए आता है। वो एक मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें कुछ आर्ट है तो फ्रांसिस ने इसके बारे में उससे पूछा। वो कहता है कि आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, ये तुम्हें पर्सनली जाकर देखना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंजेलिना उसे इतना ज्यादा भाव नहीं देती, पूछती है क्या तुम्हें कुछ ड्रिंक चाहिए। फ्रांसिस ने कहा कि जो ड्रिंक तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे सर्व कर दो। ड्रिंक देते वक्त वो उसके ड्रिंक में थूक देती है। फ्रांसिस ने यही ड्रिंक कर लिया। इस पर एंजेलिना ने हंस दिया और इसके बाद इनकी बातचीत स्टार्ट हो गई थी। एक दिन फ्रांसिस ने एंजेलिना को डेट के लिए पूछा और वो इसके लिए एक्साइटेड थी। एक्चुअल में आज रात एंजेलिना और एंड्रू का मूवी देखने का प्लान था पर फ्रांसिस के साथ डेट पर जाने के लिए वो एंड्रू का प्लान कैंसिल कर देती है। बेचारे एंड्रू को बुरा लगा। इस डेट पर फ्रांसिस एंजेलिना को उसी आर्ट एग्जीबिशन में लेकर आया था जिसकी पेंटिंग एंजेलिना मैगजीन में देख रही थी। यहाँ फ्रांसिस ने एंजेलिना को इसके आर्टिस्ट से मिलवाया। एक्चुअल में ये फ्रांसिस की मदर ही थी। मदर को पता था कि एंजेलिना क्या काम करती है, उसे रिस्पेक्ट नहीं देती और वहाँ से चली गई। फ्रांसिस एंजेलिना को सॉरी कहता है। उसने कहा मेरी मदर को मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहिए था। एंजेलिना कहती है तुमने जो भी किया ठीक किया, एटलीस्ट तुम मुझे छुपा तो नहीं रहे, मैं जैसी हूँ उसी तरीके से तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके बाद फ्रांसिस एंजेलिना को एक प्राइवेट पेंटिंग दिखाने के लिए लेकर आता है। फ्रांसिस के पास कुछ ड्रग्स थे, ये उसने खुद ने लिए और एंजेलिना को भी देता है। उसने कहा कि मुझे भी पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। उसने इसके ग्लासेस वगैरह सब कुछ लिए थे पर उसके टीचर ने उसे कहा कि आर्टिस्ट बनना बहुत ही हार्ड होता है, तुम 10 साल स्ट्रगल करोगे और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास टैलेंट है भी या नहीं। फ्रांसिस के लिए करना हार्ड था तो अब वो उसकी जगह पर लॉयर बन चुका था। वैसे भी अपनी लाइफ से वो खुश है इस तरीके से प्रिटेंड करता है। एंजेलिना को उसके लिए बुरा लगा। इसके बाद दोनों रूफ पर आए, एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वीडियो डायरेक्टर मार्गरेट ये एंजेलिना की फोटोज देख रही थी। एक्चुअल में उसे बहुत पसंद आई थी ये। जब वो देख रही थी तो उसकी गर्लफ्रेंड ने नोटिस किया जिसका नाम था जिलियन। जिलियन कहती है कि एंजेलिना की एज बहुत ही कम लगती है, इस तरीके का उसका फोटोशूट करना ये बहुत ही गलत है। मार्गरेट ने कहा कि उसकी एज सही है, कोई भी वरी मत करो। जिलियन को पता था कि मार्गरेट झूठ कह रही है। अगली रात जब मार्गरेट अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में आई हुई थी यही पर वो एंजेलिना को नोटिस करती है और उसको बार बार देख रही थी। उसकी फ्रेंड ने यह सब चीज नोटिस की। मार्गरेट जब घर पर आई तो जिलियन उससे बात करती है, कहती है कल रात तुम जिस लड़की का फोटोशूट देख रही थी ये तुमने नहीं किया था। उसे लगता है कि मार्गरेट उससे कुछ छुपा रही है। मार्गरेट ने कहा कि मेरा प्रोफेशन है, मुझे ये सब चीजें स्टडी करनी पड़ती है। जिलियन को यह सब सही नहीं लगता तो मार्गरेट ने कहा कि हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं और अब तुम्हें इन सब चीजों का टेंशन आ रहा है। इस फाइट की वजह से डिस्टर्ब थी तो कल जब वो शूट पर गई तो सही से डायरेक्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन एंजेलिना की मदर और उसकी सिस्टर उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर आए हुए थे। एंजेलिना के बारे में उसके रूममेट ने उसे सब कुछ बताया था पर वो क्या करती है ये नहीं बताया। एंजेलिना आजकल फ्रांसिस को डेट कर रही थी तो इसके लिए उसकी मदर एक्साइटेड है, वो फ्रांसिस से मिलना चाहती है। ये सब फिर मिलकर रात के लिए डिनर का प्लान करते हैं। एंजेलिना अपनी मदर और सिस्टर को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आई। थोड़ा टाइम हो गया पर फिर भी फ्रांसिस यहाँ आया नहीं था। एंजेलिना उसे कॉल लगाती है पर वो काम में जरा बिजी था। मदर को लगता है कि फ्रांसिस में कुछ गड़बड़ है। वो एंजेलिना से कहती है तुम्हारी आंट का भी ऐसा एक बॉयफ्रेंड था, जब भी कुछ मेन चीज होती थी वो कभी भी आता नहीं था, पर वो एक ड्रगिस्ट था।
उसके ड्रग्स की आदत की वजह से तुम्हारी एंड की लाइफ भी खराब हो गई थी। एंजेलिना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। फ्रांसिस भी ऑलरेडी ड्रग्स करता है, तो शायद ये भी हो सकता है। एंजेलिना की सिस्टर अब भी उसे कोई भी बात नहीं कर रही थी। रात में इसके बारे में एंजेलिना ने अपने मदर से बात की। मदर ने कहा कि आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 6 महीने से उसके पेट में दर्द होता है। हमारे पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं तो मैं उसे हॉस्पिटल में नहीं लेकर जा सकती। एंजेलिना को बहुत बुरा लगा। वो कहती है उसके ट्रीटमेंट में जितने भी पैसे लगेंगे ये सारे मैं पे करूंगी, कोई भी वरी मत करो। मदर कहती है मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। अगले दिन जब फ्रांसिस एंजेलिना से मिलने के लिए आया तो उसे वो रोज देता है, और इन रोजेस की वजह से एंजेलिना का सारा गुस्सा उस पर चला गया। एंजेलिना जब घर पर आई तो उसकी मदर जल्दी से यहाँ से निकल रही थी। एंजेलिना ने मदर को ऑलरेडी पैसे दिए थे। मदर एक बहुत बड़ी ड्रंक है, सारे पैसे वो दारू पीकर उड़ा देगी। एंजेलिना की सिस्टर ने उसे बात की, कहा कि मुझे पेट में कोई भी दर्द नहीं होता, मदर तुमसे झूठ कह रही थी। सिस्टर कहती है तुमने जो भी किया सही किया, थोड़े दिन में मैं भी घर से भाग जाऊंगी। एंजेलिना अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ भी मत करना, पर वो उसे समझा नहीं सकती क्योंकि उसने खुद ने ऐसा किया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्गरेट जिलियन की ऑफिस की पार्टी में उसके साथ आई हुई थी। यहाँ पर एक कोवर्कर के साथ वो बात कर रहे थे। जिलियन का कोवर्कर मार्गरेट से पूछता है कि तुम क्या करती हो। इस पर जिलियन ने आंसर दिया कि वो न्यूड वीडियो शूट करती है। वो मार्गरेट को जलील करना चाहती थी। इस पर इन दोनों में फाइट हो जाती है। ये एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे थे पर घर आने के बाद इंटीमेट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एंड्रू और एंजेलिना ये पूरा दिन एक साथ स्पेंड करते पार्क में आए और एक जगह और बैठे थे। एंजेलिना कहती है कि फ्रांसिस को मैं बहुत लाइक करती हूँ। उसने एंड्रू को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जहाँ पर फ्रांसिस रहता है। वो आजकल सोच रही थी कि किसी आदमी के साथ वीडियो बनाए। एंड्रू कहता है कि ये बहुत ही अलग होगा। एंजेलिना ये करे ये उसे सही नहीं लगता। अगले दिन जब मार्गरेट उठी तो जिलियन वहां से जा चुकी थी। बिना कुछ कहे उसने उसे ब्रेकअप कर लिया है। जैसे कि हमें पता है कि फ्रांसिस को ड्रग की आदत है, अपने ड्रग डीलर के पास वो लेने के लिए गया पर वहां पर वो नहीं था। वो आसपास पूछने की कोशिश करता है पर इस तरीके से ड्रग डीलर के बारे में पूछना एक गलत बात है, तो इस वजह से फ्रांसिस को बहुत मारा जाता है। अब एंजेलिना ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक आदमी के साथ वीडियो शूट करेगी। ये शूट कर वो वापस आए। फ्रांसिस को आज बहुत मारा था तो इस वजह से वो डिस्टर्ब था। वो एंजेलिना को लेकर भी बहुत सारी चीजें सोचता है। उसने उसे डायरेक्टली कहा कि जो तुम काम करती हो ये बहुत ही घटिया काम है। एंजेलिना कहती है कि तुम जो भी करते हो इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा उसका ड्रग्स करना। उसकी लाइफ बहुत ही घटिया है पर फिर भी सब कुछ चीजों एडजस्ट करती है। इन दोनों में झगड़ा हो गया और वो ब्रेकअप कर लेते हैं। फ्रांसिस जब उसे घर लेकर जा रहा था तो घर जाते जाते ही वो ड्रग्स में था तो इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। एंजेलिना को वैसे ही छोड़कर वहां से भाग गया। वैसे एंजेलिना को भी ज्यादा चोट आई नहीं थी। इस सब इंसिडेंट की वजह से अब इनकी रिलेशनशिप रिकवर नहीं हो सकती। एंजेलिना जब घर पर आई तो एंड्रू उसकी वीडियो देख रहा था। ये देखकर उस पर बहुत चिल्लाती है। वो अब उसके साथ नहीं रह सकती थी। एंड्रू कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम हमेशा मुझे सिर्फ तुम्हारे एक पेट की तरह ट्रीट करती हो। हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और तुम हमेशा मुझे इग्नोर कर देती हो। एंड्रू ने कहा कि सारा वर्ल्ड तुम्हें देख सकता है और मुझे ही देखना अलाउड नहीं, ऐसा क्यों? एंजेलिना कहती है कि उस वीडियो में जो लड़की है वो मैं नहीं, एक्चुअल में मैं बहुत अलग हूँ। उसने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड्रू इस पर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि ये ऑब्वियस था। एंजेलिना ने कहा कि अगर तुम मुझसे सचमुच में प्यार करते तो ये सब चीजें नहीं देखते। वो फिर डिस्टर्ब होकर एक बार में आके, और यही पर मार्गरेट थी। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते। जो भी हुआ था एंजेलिना ने उसे सब कुछ कहा। मार्गरेट ने भी बताया कि मैं जो भी करती हूँ ये मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि मैं डायरेक्टली हेल में जाने वाली हूँ। मार्गरेट कहती है कि जो भी हो, जो काम मैं करती हूँ इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये लोग सही चीज करने की कोशिश करते हैं और कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होते। एंजेलिना को भी ये बात सही लगी। ये दोनों बहुत सारी चीजों पर कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद इन्होंने किस कर लिया। एंजेलिना मार्गरेट के साथ गई और ये इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसके बाद मूवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। मार्गरेट और एंजेलिना ये अब रिलेशनशिप में थे और दोनों बहुत खुश है। एंजेलिना भी अब एज अ फिल्म डायरेक्टर जॉब कर रही थी। उसने एक्चुअल में मॉडल करना छोड़ दिया था। उसने फाइनली अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लाया है।
और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।